मॉर्निंग पैरग, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। सो मेरे नए दिन की शुरुआत होगी है सुबह के 8:30 बजे से। और सुबह यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा था और अभी फाइनली बारिश आ गई है, जो हमारी 2-3 दिन से इच्छा थी कि बारिश आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, तो फाइनली बारिश आ गई है। तो अब जाके फाइनली बारिश भी आ गई है और अब जाके थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो गया है। पहले तो इतनी गर्मी और ना गाइस क्या ही बताएं आपको हम। तो बारिश आ रही है और सामने से हमारा यहाँ पे किचन है, पीटी यहाँ पे बना रही है मैडम जी बारिश के मजे लेते हुए खाना। तो यहाँ पे माँ जी लोगों ने ना खेत में घास काट के ऐसे रखा था क्योंकि धूप आ रही थी, तो माँ जी ने सोचा था कि बाद में लेकर आएंगे, तो उनके यहाँ पे कंडे भी और घास भी सब भीग गया, माँ जी भी भीग गई। माँ जी कर रही है मंजन, तो यहाँ पे पूरे कंडे भीग गए। 12 बजे नहीं है, 8:30 ही हो रहा है अभी, और मम्मी भी भीग गई है और हमारी गायों को बड़ा मज़ा आ रहा नहाने में। माँ जी की भैंस बारिश के आनंद ले रही है। और हमारे ये जितने भी यहाँ पे बो रखे हैं और वो सामने बो रखे हैं मक्का है, पर आज भी भीग गया गाइस। तो अभी मैं चाची उनके यहाँ जा रही हूँ क्योंकि मुझे चाची के साथ हॉस्पिटल जाना था, तो मैं पता करती कि हॉस्पिटल अब जाना है या फिर ऑटो में जाना है करके। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे ना इसको पकड़ दो छाते को, यहाँ पे चिड़िया ने ना घोंसला बना रखा है। तो यहाँ पे चिड़िया के बच्चे हैं, कितने हैं? 4 है ना? 8, इसकी मम्मी भी है। यहाँ पे चाची हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, मैं जैसे तैयार होने जा रही थी वैसे बारिश आ गई। और यहाँ पे नितिन ने अभी तक नहाया नहीं है गाइस, 9 बजने वाले हैं। यहाँ पे कोमल नहा के रेडी है, अब जैसी बारिश आई तब उठाओगे ना ये, वैसे करण भी उठा जैसी बारिश आई। तो यहाँ पे लग रखे हैं नींबू, इसमें रस नहीं होता है ना चाची? होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नींबू लगे हैं और इस पेड़ में लीची भी लगे थे, ये इसमें लगे थे लीची और यहाँ पे लगे थे लीची, सब बच्चे ने फिर भी लग रखा है, एक लगा है, फर्स्ट टाइम लगे थे लीची। और जब हमारे यहाँ पूजा थी ना, बच्चों ने सारे लीची तोड़ के खा दिए। बस अभी नींबू लगे हैं हमारे, एक ही पेड़ है नींबू का, यहाँ पे नींबू लग रखे हैं। और एक ये पेड़ है आम का, हमारा नहीं गाइस, ये कमला मौसी का पेड़ है। यहाँ पे कोमल ने ये सारे जो यहाँ पे गमले थे ना, वो सारे बाहर पे रख दिए क्योंकि इसको ये पानी देने का काम इसी का है, तो इसका काम इजी हो जाएगा करके इसने सारे गमले बाहर पे रख दिए हैं जितने भी यहाँ पे थे। और ये तो भीग ही रहे हैं शायद वैसे भी, ये बच्चे हैं। ये हम लोग जा रहे हैं बसंती कॉफी का और टाइम हो गया है 12:30, तो क्यों जा रहे हैं वो आपको घर आके बताएंगे, तो चलते हैं। सस्पेंस है गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, चलते हैं अंदर गाइस। तो कल मेरा भाभी के वहाँ एक शूट हुआ था, तो वो शूट मेरे इसलिए हुआ था क्योंकि शीना मैम ने एक टारगेट दिया था, क्योंकि भाभी वहाँ से सीख के आए हैं, मतलब बसंती भाभी जो ब्यूटिशियन है, तो उन्होंने शीना मैम के वहाँ से सीखा हुआ था, तो वहाँ से शीना मैम ने एक टास्क दिया था कि ग्रो विद शीना, और उसमें उन्होंने एक शटल लुक जो था ब्राइडल, तो वो उन्होंने शटल मेकअप और उसमें मतलब ब्राइडल लुक पूरा देने को बोला था, तो भाभी ने मुझे बोला था उस चीज़ के लिए, तो इस वजह से जो मेरा शूट हुआ था और वो वहाँ पे हुआ। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि भाभी ने इस चीज़ के लिए मुझे सेलेक्ट किया, मुझे चूज़ किया, मुझे कॉल किया उन्होंने कि भाभी ऐसा ऐसा है और ब्राइडल शूट होना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो इस वजह से हम चले गए थे और वहाँ पे ना व्लॉग बनाने जैसा नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने व्लॉग नहीं बनाया। और बाकी छोटे मोटे क्लिप्स हैं जहाँ पे हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया और फ़ोटोज़ वगैरह ली, तो वो हैं। तो प्लीज़ गाइस एंजॉय, और
फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय क्लिप्स। Thank you.